सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि हमारी हर वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान की गंगा में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लड़कियां ज़्यादा रोती हैं उनकी सोच क्या होती है, उनका स्वभाव क्या होता है और लड़कों के बारे में वो क्या सोचती हैं और लड़कों को उनके बारे में क्या सोचना चाहिए, इस वीडियो में हम यही आप लोगों को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लड़कों के बारे में। लड़के हमेशा चाहते हैं कि उनका जो प्यार हो सच्चा हो। उनको धोखा देने वाली लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद है। कितनी भी सुंदर लड़की हो, यदि उनका मन साफ नहीं, उनका चरित्र साफ नहीं है तो लड़कियां बेकार ही होती हैं। लेकिन कई लड़के ऐसे होते हैं कि केवल वो चेहरा ही देखते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा अपने आसपास के समाज में बहुत सारे लड़के होते हैं जो केवल चेहरा देख के लड़कियों से प्यार करते हैं, लव करते हैं। उनको उनके अंदर से कोई मतलब नहीं है, वो किस तरह की कि है वो सोचते तक नहीं है, वो उनके बारे में इतना जांच पड़ताल भी नहीं करते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो भी किस तरह के लड़के होंगे जो इस तरह के बारे में नहीं सोचते हैं। तो चलिए हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, आप लोग बता दें, जो लड़कियां ज़्यादा रोती हैं उनका मन जो होता है बहुत साफ होता है। अपने प्यार के लिए वो बिल्कुल, अगर कुछ भी हो जाता है, थोड़ा सा भी अगर उनका बॉयफ्रेंड या लवर या उसका पति उनको डांट देता है तो वो तुरंत रोने लगती हैं। इस तरह की लड़कियां मन की एकदम बिल्कुल साफ होती हैं। उनके जीवन में अपने लवर के सिवा किसी का ख्याल तक नहीं आता, वो उस तरह की लड़कियां होती हैं। तो दोस्तों, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि आपको इस तरह की लड़कियों से प्यार करना चाहिए कि उस तरह की लड़कियों से प्यार करना चाहिए जिनका मन साफ नहीं होता। एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों, यदि ये बात आप लोगों को सत्य लगती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट ज़रूर लिखेगा कि आजकल जितने भी लड़कों या लड़कियों की शादी हो रही है तो उनकी जो पहली प्राथमिकता होती है वो क्या होती है। सच बताइएगा दोस्तों, उनकी जो पहली प्राथमिकता होती है कि उनकी जो बीवी हो या उनका पति हो वो सबसे स्मार्ट हो, सुंदर हो, पहली प्रायोरिटी यही होती है। अब 1-2% या 3% लड़कों को या लड़कियों को छोड़कर ऐसा होता होगा कि वो लोग ऐसा नहीं सोचते होंगे, लेकिन बाकी 95-96-97% लड़के या लड़कियां यही सोचती हैं कि उनकी बीवी जिनसे शादी हो रही है वो सबसे स्मार्ट हो, सबसे खूबसूरत हो। दूसरी और तीसरी या चौथी प्रायोरिटी के बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे दोस्तों, लेकिन जो पहली प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि उनकी बीवी सुंदर हो। नेचर जैसा भी हो चलेगा, ठीक है, पैसे ना हो चलेगा, लेकिन वो सुंदर दिखनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपको ऐसी पत्नी मिल रही है, ऐसी जीएफ मिल रही है जो आपके लिए रोती है, छोटी छोटी बातों पर भी रो देती है, तो ये समझ लीजिए कि उस तरह की लड़की को पाना आपके लिए एकदम इम्पॉसिबल है। आप दोबारा उस तरह की लड़की नहीं पा सकते, इसलिए मुझे कभी भी उसे आप अपनी ज़िंदगी से जाने मत दें। उसे हमेशा खुश रखें, कोशिश करें कि आपकी जो शादी हो उस लड़की से हो जाए। बस यही हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं और भगवान से दुआ भी करते हैं कि इस तरह की जितनी भी लड़कियां होती हैं और या जितने भी जोड़े हैं, जितने भी लवर्स हैं, उनकी शादी उनसे हो जाए। तो आई होप मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो आप अपने लवर का नाम और अपना नाम ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।